हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है GSEA जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के सेशन में हम क्वांटम की जो सेकंड यूनिट है, जिसमें हम बहुत आसान यूनिट है और इससे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। लेकिन अभी थोड़ा रिसेंटली एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट करवा रहा है, सही है ना। और खासकर सेकेंड यूनिट में गिने चुने टॉपिक है और उन्हीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं ना। सिलेबस में दो ही लाइन लिखी हुई है, पर्टर्बेशन वेरिएशन, सही है। और इवन कई बार ऐसा हुआ है आपके पास सी पार्ट में आपको 25 करने होते हैं और दो सवाल आपके पर्टर्बेशन और वेरिएशन से एग्जाम में आ जाते हैं ना। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी बच्चों ने क्वांटम की पहली यूनिट पढ़ ली है, यूनिट अच्छे से रिवाइज कर लो, सही है। स्कोरिंग टॉपिक है, पिछली बार भी खूब पूछा गया था क्वांटम और थर्मो से, तो मैं भी इस बार भी एग्जाम में आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, सही है। और आज के इस सेशन में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही हम इस यूनिट को रिवाइज करेंगे, सही है। तो एक बार फटाफट कनेक्ट कर जाओ, क्वेश्चन सारे बढ़िया है। अब सुन लो ध्यान से। तो हमने थ्योरी की अगर बात करें तो सिंपली हम दो चीज, दो मेथड हम यहाँ पढ़ते हैं यार। जब हमारे पास आइडियल सिस्टम से डेविएशन स्मॉल होता है, सही है ना, तो हम आप पर्टर्बेशन थ्योरी की बात करते हैं। और पर्टर्बेशन थ्योरी से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपसे पूछता है और सेकंड ऑर्डर करेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं ना। अब देखो यार, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके नोट्स में जो हमने एग्जाम कर रखे वो प्लस आपके टेस्ट में प्लस आपकी आरबीक्यू सीरीज में, और ये अब आपके लाइव टेस्ट चल रहे हैं इनसे, सही है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इनसे बन ही जाएगा और भी कोई नया सवाल आ भी जाता है तो अगर आपसे वहां पेपर में अप्रोच हो रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी ना, चलिएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से आपसे इंटरलिंक रहेगा। और क्वांटम में आपका ऐसा नहीं है कि क्वांटम का एग्जाम है तो आपसे मैथ ही पूछेगा, नहीं, हमने मैथ के डायरेक्ट फॉर्मूले इस यूनिट में बहुत सारे पढ़े हुए हैं, सही है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात करता हूँ तो चार नियम हमने पढ़े थे। सबसे पहली बात, अगर पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट है, पटर्ड पार्ट कैसा है, कॉन्स्टेंट है, तो सर मैं प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट यूज करता हूँ। दूसरी बात कही थी, अगर पर्टर्बेशन पार्ट में अगर पोजिशन या पोजिशन की कोई पावर आ जाती है तो फिर सर मैं एवरेज वैल्यू के रिजल्ट यूज करता हूँ। तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी, अगर पटर्ड पार्ट में हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अगर डिराक की वैल्यू लिमिट के अंदर है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को काट देते हैं और फंक्शन में डिराक की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर डिराक की वैल्यू लिमिट से बाहर है तो सब आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नंबर चार में हमने एक बात ये पढ़ी थी, अगर SHO में पर्टर्बेशन आता है और SHO में ओड पावर ऑफ एक्स से पर्टर्बेशन आता है तो रिजल्ट आपका जीरो आता है, सही है। देन हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन की। सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे इवन CSIR नेट दिसंबर 2015 में चार नंबर में आपसे सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया था, सही है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं किससे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से ना। किसी भी स्टेट के लिए आपसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछ लेगा। इसमें आप करते क्या हो, सर यहाँ फंक्शन की लिमिट लेते हैं हम ए टू बी, जहां से जहां पर्टर्बेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट हम यहाँ फंक्शन लेंगे, बीच में पटर्ड पार्ट लेंगे और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एन साई स्टार डीएक्स। ये हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो, इससे ही सबसे ज्यादा सवाल CSIR नेट पूछता है, सही है ना। चलिएगा तो प्यारे बच्चों फटाफट कनेक्ट हो जाओ, पहला सवाल आपके सामने रहा और आज क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया है और इवन पेपर भी एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन चार नंबर का सी पार्ट का टारगेट है ना, ध्यान देना। क्वांटम की सेकंड यूनिट से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सी पार्ट में ही पूछे जाते हैं ना। दूसरा, वेरिएशन हम कब यूज करते हैं, सर वेरिएशन जब डेविएशन लार्ज हो, तो डेविएशन लार्ज होगा वहां से तीन तरीके के सवाल पूछता है। पहला तो आपसे ट्रायल वेव फंक्शन चूज करवा लेगा, कह देगा बॉक्स की बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कौन सा ट्रायल वेव फंक्शन वैलिड होगा, SHO के लिए पूछ लेगा, या फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका आता है कि वेरिएशन मेथड से हम एवरेज वैल्यू मेथड को यूज करते हुए एनर्जी निकालते हैं, तो वो एनर्जी हमारी वेरिएशनल पैरामीटर अल्फा और बीटा की टर्म में आती है और हम उनकी वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करेंगे और फिर हमसे पूछेगा मिनिमम, बोले तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमसे पूछेगा, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें ई मिनिमम मिल जाता है। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम सिंपल सी बात ये करते हैं, भाई जितने वेरिएशनल पैरामीटर हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट के पास आता जाएगा और वहीं से हमारा निकल के आता है सेकुलर डिटरमिनेंट, जो आपने पढ़ा था 11 12 13 21 22 23, सही है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी ना।
अब सुनो ध्यान से, सही है, ईयरफोन लगा लो भाई ना, ईयरफोन लगा लो, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है ईयरफोन यूज कर सकते हो आप ना, शुरुआत करते हैं ना, आ जाओ आप सुनो ध्यान से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा सवाल, और बढ़िया क्वेश्चन है, इवन एग्जाम में बार बार कह रहा हूं ऐसा सवाल आना ही चाहिए, पूछना ही चाहिए। अब देखो रीड आउट कर देता हूं एक बार मैं, हालांकि पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी थी, कल ही शेयर कर दी थी, सही है, ताकि आप ट्राई करके आओ। पहला सवाल यह है, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास एम एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल, ये आपको पोटेंशियल दे दिया है, ये आपको पोटेंशियल आपको दे दिया है ना। अब आपसे कह रहा है वेयर बी इज ए पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि बी कॉन्स्टेंट है, एक्स नहीं कर रहा है, कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन बताइएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो एस एच ओ का वेव फंक्शन आपको दे दिया है, एस एच ओ में आपको पोटेंशियल मेंशन करके दे दिया है, आपको जस्ट करेक्शन फाइंड आउट करना है, और सेम हूबहू ऐसा एग्जांपल हमने नोट्स में भी किया हुआ है, सही है। अब सिंपल सा सवाल है और हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, फॉर्मूलों से ये सीधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, सही है। चार ऑप्शन आपके सामने देगा और जब भी करेक्शन का सवाल देगा तो एक ऑप्शन आपके पास क्वांटम के क्वेश्चन आप देखना, जीरो ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपका आंसर जीरो आए ना, तो ये भी ध्यान रखना है ना। आज मैं आपको 10 सवाल करवाऊंगा, 10 के 10 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, और इवन आप देखोगे हर एग्जाम्पल में एक ऑप्शन जीरो मिलेगा, तो जीरो तो उनके लिए रखा गया है जो तुक्का मारते हैं ना, क्या पता उनका सही हो जाए, सही है। चलिएगा, बहुत बढ़िया जवाब आ गया है, छाया गोर कह रही है सर जी बी ऑप्शन आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जवाब आ गया है बी ऑप्शन होगा, बस इतने ही देर का सवाल था। तो बेसिकली आपको करना क्या था ना, ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पे वेव फंक्शन दिया हुआ है ना, अब क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिएगा, अगर मैं बात करूं जो वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको वेव फंक्शन यहाँ पे लिख के दिया हुआ है भाई, साइनोट जो है वो आपका है, साइनोट वेव फंक्शन एम ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई एच कट इसकी पावर 1/4 दिया हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2h कट एक्स स्क्वेयर, ये आपको वेव फंक्शन एस एच ओ का दिया हुआ है, सही है, यही फंक्शन दिया हुआ है। अब आप ये देखोगे सर जी ये तो हमारा हो गया एग्जैक्ट पोटेंशियल, ये हमारा हो गया एग्जैक्ट पोटेंशियल, अब इसमें पटर्ड पार्ट आपको देखना है, पटर्ड पार्ट हमारा क्या हो गया bx की पावर 4, तो पटर्ड पार्ट आपको पता चल गया है सर, जो पर्टर्बेशन दिया है वो हमारे पास दिया है bx की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हो सर, ये जो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय h का, इसको मैं मान लेता हूं बीटा, तो इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है। सर जब हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए SHO के लिए, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे साई नोट में आपका बटर्ड पार्ट आ जाएगा और यहां आपका आएगा साई नोट स्टार इनटू dx, SHO की लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इतना सा काम प्यारे बच्चों आपको करना है। तो जब हम यहाँ पे करेक्शन निकालेंगे तो करना क्या होगा सर, वेव फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा सर, वेव फंक्शन हमारा बन गया है बीटा बाई पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में आपका पटर्ड पार्ट क्या आ गया है बी एक्स की पावर 4, यहाँ पे बीटा बाई पाई की पावर 1/4 स्टार सेम ही रहेगा क्योंकि आईटा की टर्म तो है नहीं, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, ये आपके पास बन जाएगा, सही है। जब आप इसको सोल्व करोगे सबसे पहला काम तो आपका क्या होता है सर, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया सर, बीटा बाई पाई की पावर 1/2 बन जाएगा इनटू बी बन जाएगा, अंदर इन दोनों टर्म को आप ऐड करोगे, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक्स की पावर 4 है, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इतनी देर में आपका काम हो जाएगा, सही है। तब इसको आप सोल्व करोगे तो सर ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, किस फॉर्म में आ गया है सर, ये हमें पता है, बताओ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स की पावर इवन है तो रिजल्ट देगा, और फॉर्मूला हम लगाते थे सर, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, गामा फंक्शन बन जाएगा, गामा में क्या आएगा सर, एन प्लस 1/2 4+1/2 और नीचे बीटा की पावर 4+1 5/2 बन जाएगा,
इसको आपको सोल्व करने ले था सर, ये बन गया बीटा बाई पाई की पावर 1/2 बाहर है ही, साथ में बी है, गामा 5/2 क्या बनेगा सर, गामा 5/2 हमारा बनेगा 3/2 1/2 इंटू रूट पाई, ये बन जाएगा 3/2 1/2 रूट पाई, ये आपके पास बन जाएगा, यही बनेगा। नीचे बीटा की पावर कितनी दी हुई है, बीटा की पावर दी हुई है 5/2, काट दो भाई साहब, सर जी रूट पाई से रूट पाई कट गया, यहां से बीटा 1/2, बीटा 5/2 काटेंगे तो बीटा की पावर 2 बच जाएगा, ये आंसर यहां से आपका बन गया है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट, ऊपर 3b/2 = 4 बीटा स्क्वेयर, बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो सर, बीटा हमारा क्या था, ये हमारा था mw/h cut, पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4m² ω² h cut स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा पलट के। पहला सवाल 4 नंबर में पूछा जा सकता है, सही है ना, कर लोगे तो याद रखना यार ना, SHO से पक्का पूछ सकता है। अब देखो और भी सवाल देखो ना, जैसे CSIR नेट ने अभी तक पूछा हुआ है ना, बस SHO का आज आप देख लोगे तो अगर नया सवाल मान लो, सुनो ध्यान से, और क्या ट्राई कर सकता है, जैसे जैसे CSIR ने एक बार इसी में ही SHO में ही CSIR ने क्या किया था, SHO में ही CSIR ने बोला कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारा हो गया है ½ kx² + bx, ये दे देगा, तो इसमें तो सर जी पर्टर्बेशन क्या है, ओड पावर ऑफ एक्स से है, ओड पावर ऑफ एक्स से करेक्शन क्या आएगा ग्राउंड स्टेट में, 0 आएगा। और क्या पूछ सकता है सर, एक बार ऐसे भी पूछा हुआ है, यहाँ पे दे दिया था λx³, तो यहाँ पे जो पटर्ड पार्ट है वो ओड पावर से है, ओड पावर से करेक्शन क्या हो जाएगा, 0, बोलो, क्योंकि क्यों 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 सर, हमें पता है जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ की एक्स की पावर अगर ओड आ जाती है, एक्स की पावर क्या आ जाती है, ओड, ई की पावर माइनस बीटा x² dx में ये रिजल्ट देता है 0, बोलो, ध्यान रखना भाई ना, सही है। तो 3-4 क्वेश्चन आपका SHO का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर लोगे, चले आगे, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत एकदम जबरदस्त सवाल है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो इस सवाल को गलत नहीं करेगा, सुनिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल को, पक्का आ सकता है, क्यों, क्योंकि CSIR नेट ऐसे सवाल उठाता है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें तो खूब इंटीग्रेशन बड़ा बड़ा पूछता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा पूछता है कि भाई केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट कर पाए, इतना ज्यादा हमसे मैथ पूछता भी नहीं है, और जो मैथ पूछता भी है उसके फॉर्मूले डायरेक्ट रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कह रहा है फॉर ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L, गिवन दैट V=V0 0 to L, V=∞ एल्सवेयर, कह रहा है द सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फॉर द nth स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नहीं बोल रहा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, एक बात ध्यान से सुन लो, हाथ जोड़ से आपकी विनती है, एग्जाम में कभी तुक्का ट्राई मत करना मेरे भाई ना, सही है ना, एक बार सोचना आप जो भी सवाल आए ना उससे रिलेटेड, ये सोचना हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड क्या है, हमने इस टाइप के सवाल सोल्व किए हुए हैं नहीं किए हुए, या ये सवाल बाउंसर तो नहीं है, बाउंसर है तो छोड़ देना वरना आउट हो जाओगे सवाल में, सही है, ध्यान रखना इस बात को। अब जो कह रहे हैं, अब देखो आपने सवाल देखा और देखते ही आपने डी ऑप्शन मार दिया, ऐसा पेपर में मत करना, पेपर में मैं बार बार रोज सुबह आपको चेतावनी दे रहा हूं यार, सावधान रहो, एक सवाल गलत करने का मतलब है 5 नंबर कटते हैं हमारे, और सी पार्ट में ही हमें फोकस करना होता है, किसमें करना होता है, सी पार्ट में ही, सही है। अब जितने भी मेरे सेशन है देखोगे आप यूट्यूब पे या फिर ऐप पे, जो RBQ सेशन है, जो आपके टेस्ट पेपर, यार हर सवाल में जी जान लगा रखी है ना, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों नहीं देखते, मेरे को तो ये समझ नहीं आता बच्चे क्यों नहीं कवर करते, आलतुर फालतुर की वीडियो इतनी देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, जो देख रहे हैं चिंता मत करो, आपका लेवल कैसा ही रहा हो आपका सिलेक्शन होगा, तय है, सही है ना। आ जाओ आप देखो, सवाल बढ़िया है, सवाल बढ़िया, सवाल सारे ऐसे ही हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है, सारे रेफरेंस बुक के ही सवाल है। अब बहुत सारे बच्चों ने डी मार दिया ना, अब सुनो ध्यान से, देखो यार डी आपने कर दिया, ठीक है, कुछ सोचा या नहीं सोचा, आपने सीधा आंसर दे दिया डी,
लेकिन सर जी यहां तो उसने सेकंड ऑर्डर करेक्शन पूछ लिया, तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए कैसे जाऊंगा? हाँ, अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बोलता ना तो सर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में निकाल देता, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो निकाल दोगे। चलो बहुत बढ़िया, मैं पहले एक और पूछ लेता हूँ, सेकंड ऑर्डर छोड़ो, अगर इसी सवाल में, अगर मैं कहता फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताओ, nth स्टेट के लिए, तो आंसर क्या होता? चलो एक सवाल और बन जाएगा यहीं पे, इसी सवाल में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर मैं बोलता तो आंसर क्या होता, बताओ जल्दी से, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए बताओ आंसर क्या होता, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए बताओ आंसर क्या होता, अगर आपसे कहता फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल के बताओ तो आंसर क्या होता, ये बता दो। चलो ये तो कर सकते हो भाई, ये तो कर सकते हो। स्वादा बैक्सी कह रही है सर जी सेकंड ऑर्डर नेगेटिव में आता है, कहां पढ़ के आए हो? सेकंड ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए नेगेटिव आता है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑलवेज नेगेटिव। यहां बोल रहा है एनएथ स्टेट, तो डी ऑप्शन कैसे मार दिया आपने? अब ऐसी गलती करते हो तभी तो नंबर नेगेटिव में जाते हैं। चलिएगा, प्रिया सा दत्ता ने कह दिया यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर सर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहता ना तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे ए ऑप्शन हो जाता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालूंगा, लो भाई एनथ स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालूंगा तो सर लिमिट 0 से L, यहां क्या रखूंगा साइन, यहां क्या रखूंगा बीच में पटर्ड पार्ट मी नोट, यहां क्या रखूंगा साइन स्टार डीएक्स। अरे बोलो, ये तो एक लाइन का ही सवाल है, पटर्ड पार्ट कहाँ चला जाएगा? कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा। अरे बोलो 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 भाई बोलो, ये तो होने लायक है, और प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर स्पेस। अरे पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर लेके गया भाई, और आपको पता है ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर स्पेस कितनी होती है? 100%। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आ गई तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं, कितना होगा 1, तो आंसर कितना हो गया वी नोट, आंसर कितना हो गया वी नोट। अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो निकाल लेना, कहीं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में फंस जाओ, आ जाओ अब। लेकिन सर सवाल में पूछा हमसे क्या, एनएथ स्टेट के लिए सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालो, पटर्ड पार्ट कांस्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, पूछ सकता है केमिस्ट्री में। अरे आप जब सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालोगे, सेकंड ऑर्डर करेक्शन फॉर एनएथ स्टेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला लगाते हैं सर? यहाँ पे साई एम फंक्शन आएगा, बीच में पटर्ड पार्ट आएगा, यहाँ साई एन आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ई एन माइनस ई एम होगा। अरे यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में आंसर बी कैसे होगा? अरे बी कैसे होगा, बी ऑप्शन कैसे आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी कैसे आएगा? अरे मूर्खो, म्यू नोट आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बन गई, प्रोबेबिलिटी ओवर एंटायर स्पेस, नॉर्मलाइजेशन 1 आएगा ना। आ जाओ, अब सवाल था सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन का। अब सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में आप ये फॉर्मूला लगाते हो, और फॉर्मूले में क्या कहते हो? सर जी एम जो है ना वो एन के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, बाकी सब चलेगा। और अगर एम सब चलेगा तो सुनो ध्यान से, एनएथ स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो एम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन एम एन नहीं हो सकता। और अगर एम एन नहीं हो सकता तो बॉक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्या? अरे जो फंक्शन होते हैं साइवन डॉट, अब देख सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, देख देख देख, यहां पुट करेगा म्यू नोट, पटर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, ज्यादा मुश्किल नहीं था। देख 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 देख, ई एन माइनस ई एम। अब सुन ध्यान से, यहां से पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट है तो म्यू नोट का स्क्वेयर तो बाहर चला जाएगा, ये बनेगा, अंदर केवल क्या रहेगा? अंदर केवल आपके पास साई एम साई एन का स्क्वेयर इंटू ई एन माइनस ई एम बनेगा। और आप सबने पढ़ा हुआ है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर साई वन साई टू डीएक्स 0 से L 0, वे फंक्शन क्या होते हैं? साई वन
नॉर्मलाइजेशन वन होते हैं, साई वन साई टू जीरो, साई टू साई थ्री जीरो, ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल। तो ये सारे रिजल्ट क्या बन जाएंगे, जीरो जीरो जीरो, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो। पूछेगा पूछेगा, ध्यान रखना बब्बे, स्ट्रेटेजी पटेटेजी छोटो देखना, बावड़े हो जाते हो आप। जीरो जीरो जीरो, किसी बच्चे ने सीरियसली जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारे आरबीक्यू लगा लिए और सारे टेस्ट पेपर लगा लिए, उसको पेपर में लगेगा ऐसे सवाल तो मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, हर सवाल में लगेगा। अब ये सवाल ऐसा नहीं था, एग्जामिनर पूछ ले, नया थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले, तो ये थोड़ी आप थोड़ा दिमाग तो लगाओगे यार। हाँ, ग्राउंड स्टेट के लिए बोलते सोचते, तो याद रखना आप, जब भी बॉक्स में पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट होगा, जब भी पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट होगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन जीरो आएगा, जीरो आपके सामने ही है, लिख लेना इस बात को। अपने यहाँ डिस्कशन वो हो रहा है, और क्या आ सकता है, बाकी जो हो चुका उसमें तो क्या ही दोबारा करना, सही है ना। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा एस एच ओ का, फिर दो बातें ये बताई, ये आ जाए तो सीधा जीरो लगा देना, तीसरी बात आपको काम की बता दी है एक और नए सवाल के साथ, चले आगे। अरे कर लोगे, सही है, और आएंगे, आप चिंता मत करो, आएंगे, भगवान पे विश्वास है और अपनी मेहनत पे विश्वास है, सवाल आपको मिलेंगे, एग्जामिनर और कहां से बनाएगा भाई। आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो यार, ये होना चाहिए, इसको फटाफट कर दो, इसको फटाफट कर दो, इस सवाल को फटाफट कर दो, और हर सवाल में आपको एक ऑप्शन लड्डू जरूर देखने को मिलेगा, जीरो जरूर मिलेगा, जीरो जरूर मिलेगा। कह रहा है एसएचओ मास एम एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज पटर्ड बाय एडिशनल पोटेंशियल 1/2 bx² द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू। साफ साफ लिख के दे रहा है सवाल में वो, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा है। बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो देखो, इतने टाइम का सवाल नहीं था। अब सुन ध्यान से, देख एसएचओ में, एसएचओ में एग्जैक्ट पोटेंशियल होता है 1/2 kx², ये होता है एग्जैक्ट। अब उसने साफ बोल दिया कि हमने ना पर्टर्बेशन करवाया और पर्टर्बेशन में एडिशनल पोटेंशियल हमने ऐड करवा दिया 1/2 bx², 1/2 bx² और आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बताओ टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब जो ये जो बी ऑप्शन कौन कह रहे हैं, बी तो किसी ने नहीं बोला, अभी ए और सी में चल रहा है ना, ए और सी में। आ जाओ क्या करोगे, सिंपल सा है सर जी, इतने सवाल हमने किए, लो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्या करोगे बीटा बाई पाई की पावर 1/4, बीटा बाई पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, पटर्ड पार्ट दे दिया है क्या, हाफ बी एक्स स्क्वायर बीटा बाई पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है, क्या बन जाएगा देख, अब 1/2 bx², बीटा बाई पाई की पावर 1/4, बीटा बाई पाई की 1/4, क्या बन जाएगा बीटा बाई पाई की पावर 1/2। यहां से सर 1/2 b बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया,
अंदर बच गया एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्या करना था सर, एक्स की पावर इवन है तो गामा फंक्शन के रूप में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। एन का मान दो है तो गामा कितना बन जाएगा, तीन बटा दो बन जाएगा, नीचे बीटा की पावर तीन बटा दो बन जाएगा। गामा तीन बटा दो को सर मैं लिख सकता हूं एक बटा दो इंटू रूट पाई, नीचे सर बीटा की पावर तीन बटा दो। देख भाई बीटा की पावर एक बटा दो, बीटा की पावर तीन बटा दो, बीटा की पावर एक बच गया, रूट पाई आंसर बन गया है सर बी डिवाइडेड बाई फोर बीटा। बीटा का मान क्या था, 4m ओमेगा। एच कट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर। लक्ष्य राज कह रहे हैं सर जी ए होगा, गलत है मेरे भाई, गलत है लक्ष्य जी, गलत है गलत है गलत है। आंसर ये आएगा, कौन सा बन गया, सी ऑप्शन आएगा, सी सी सी। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या सोचेंगे, ओहो 1/v kx² टाइप दे दिया, ये तो एग्जैक्ट ही है, इसमें कोई पर्टर्बेशन है ही नहीं, तो रिजल्ट जीरो होगा। ये भी तो करेंगे, वहां तो सोच सबकी अलग अलग होती है जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो एग्जामिनर एक ऑप्शन ऐसा भी रखेगा। तो पेपर वाला आपसे जो चार ऑप्शन बना के देता है उसमें तो बस वो चाहता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और आपको चार में से एक ऑप्शन मिल जाए और आपको लगे कि ओहो हो गया काम भाई, चार नंबर मिल गया, आसान सा सवाल आया था, कर लोगे। ध्यान रखना ध्यान रखना, अगर पर्टर्बेशन वेरिएशन से सवाल पूछेगा, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं जाएगा बाहर भाई, सही है ना, बहुत सवाल करवा दिए। और आज और भी देख लो, और रिवीजन भी हो जाएगा इन क्वेश्चनों के साथ आपका। चले आगे, चलिएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइएगा। टीफर में क्या था, टीफर में लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां आपके तीन सवाल आपके एच टीज आरबीक्यू से आगे थे। नेट में तो भर भर के पूछता है, सही ना, सी पार्ट में ही आपको पूरे 20 सवाल मिलेंगे, तो आरबीक्यू में से आने के चांस और भी ज्यादा है, सही है। टेस्ट में से, रिवीजन सेशन में से करो इनको, बस और क्या है, आओ रिवीजन भी होता रहेगा। लो भाई लो, देखो भाई ये सवाल होना चाहिए भाई, ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल भाई होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। कह रहे रिजिड रोटर इन ए प्लेन इज एक्टेड बाय ए पर्टर्बेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वी नोट, आपका दे दिया कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ध्यान देना, इससे पहले भी इससे करेक्शन पूछ चुका है। दूसरा बच्चों सुनो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के पार्टिकल ऑन रिंग के दो सवाल हमने नोटबुक में भी किए हुए हैं जिनका करेक्शन जीरो आया था, वो दोनों एग्जाम्पल भी हाइड्रोजन एटम में कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, सही है ना, वो सारे फॉर्मूलों के रिजल्ट और ये सवाल और कर दीजिएगा, ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, करो ट्राई। आपके पास टाइम है, मान लो नेट में ये सवाल आ गया आपके सामने, आप क्या करोगे, सवाल जरूरी है, करना जरूरी है। सोल्व कीजिएगा, टेक योर टाइम। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लो, GACS ऐप को आपके दोस्तों से बता दो भाई। अब सुन लो ध्यान से भाई,
आ जाओ आप, इतने ही टाइम का सवाल था ये, इतने ही टाइम का सवाल था, सही है। आइएगा, आप सुनो ध्यान से, चलो जो भी आप कर रहे हो ठीक है, सुनो अब आ जाओ, इतना टाइम नहीं है ना, सॉल्यूशन देखो बच्चों आप आ जाओ। देखो सबसे पहली बात तो यार आपको ना, अब मैं फिर से क्वांटम में, आप जब क्वांटम पढ़ते हो तो पहली क्लास बेसिक मैथ की होती है, और उसमें हमने सर जी दो फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, याद करो, साइन स्क्वेयर बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स बाई टू माइनस वन बाई फोर बी साइन टू बी एक्स होता है। बोलो, कोई बड़ा मैथ नहीं था। कोस स्क्वेयर बी एक्स डी एक्स क्या होता है सर, सिंपल, एक्स बाई प्लस वन बाई फोर बी साइन, फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, इवन आपको 10 बार बोल बोल के क्लास में मैंने आपको मुंह से भी बुलवाया हुआ है। बोलो इन फॉर्मूलों को, इन रिजल्ट को बोलो, टाइम आ गया था इन रिजल्ट का यूज करने का, ये नहीं है बस बोले और भूल गए। आ जाओ आप, देखो करना क्या है, हमारे पास पटर्ड पार्ट दे दिया है, अब पार्टिकल ऑन रिंग बोल रहा है ना, प्लेन बोले तो पार्टिकल ऑन रिंग की बात हो गई यार, सही है। पार्टिकल ऑन रिंग में अगर मैं आपसे, चलो वो तो क्वांटम में चला जाएगा, पहली यूनिट में वो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, सही है ना, सवाल नहीं पूछूंगा, बस आप, आपको वेव फंक्शन पता है सर, इसका वेव फंक्शन होता है अंडर रूट टू एम पाई, और हमने ये पढ़ा था क्वांटम की, अगर यूनिट सेकंड पढ़ रहे हो तो आपको पहले वाले रिजल्ट पता होने चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब आ गया, एक बच्चे ने जवाब लिखा है, चलो देखते हैं अभी ना क्या आंसर आता है ना, देखते हैं। ये हमारा वेव फंक्शन हो गया, ये हमारा पटर्ड पार्ट हो गया है ना, तो क्या करोगे आप सर जी, लो जी हमसे ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, लो ग्राउंड स्टेट में हम निकाल देंगे, लिमिट 0 से 2 पाई होती है सर जी, 1/√2π e की पावर आईटा एम फाई। बोलो अब हमारा पटर्ड पार्ट, पटर्ड पार्ट आपका है v0/2 3 cos स्क्वेयर फाई माइनस वन इंटू, फिर से फंक्शन आएगा, इतना सा इंटीग्रेशन सोल्व करना था बस, लिमिट कहां से कहां है 0 से π, और इसको सोल्व करने में कोई नई बात नहीं थी, हमने बहुत सोल्व कर रखे हैं ऐसे। अब करोगे क्या सर जी, दो टर्म दे दी है, सबसे पहला काम यहां जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, 1/√π 1/√π v0/2 सर जी, ये बाहर हमारे पास चला जाएगा, अगर मैं देखू 1/2π तो बाहर चला जाएगा, 1/2π बाहर ले जाओ, 1/√2 1/√2 सही है। दूसरी टर्म में हमारे पास क्या बनेगा, दोनों टर्म को अलग अलग लिख लो, 0 से 2π 0 से 2π, यहाँ पे आपके पास दो टर्म बनेगी, दोनों टर्म को हम लिख देंगे e की पावर आई टाइम फाइव, स्टार लगाओगे तो e की पावर माइनस आई टाइम फाइव बन जाएगा, ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, सही है। बचा क्या सर, या कोस स्क्वायर फाइव बच गया, तो एक दो टर्म हमारे पास बनेंगी, दोनों टर्म मैं अलग अलग लिख देता हूं, 1/2π हमने बाहर लिया, 0 से 2π, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3v0/2 कोस स्क्वेयर फाई, पीछे से आएगा डी फाई। दूसरी टर्म हमारे पास बनेगी, जब वी नोट बाई टू को माइनस वन से पुट करोगे तो माइनस वी नोट बाई टू माइनस आएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा डी फाई, लिमिट 0 से 2π लिमिट 0 से 2π, ये दो आपको सोल्व करने थे, 1/2π इनटू, इसको सोल्व कर लो भाई। अब बस देखो, अब आप यहां पे सर कोस स्क्वायर फाई को सोल्व करना है, सही है ना, लिमिट 0 से 2π है, 3v0/2 सर ये हमारा बाहर चला गया, सही है, सोल्व करो भाई साहब, कोस स्क्वायर 2π अभी इंटीग्रेशन बताया था, क्या होगा सर, ये होगा एक्स बाई टू फाई बाई टू, फाई बाई टू प्लस की जगह माइनस आएगा, 1/4b 4π 4π क्या बनेगा यहाँ, ये बनेगा साइन साइन 2π साइन 2π, एक्स बाई टू माइनस 1/4b 4b सॉरी 4 ही रहेगा यहाँ पे, 4 ही रहेगा, 4b है तो 4 आएगा, b तो b का मान तो 1 हो गया, 1/4 साइन 2π लिमिट 0 से 2π, ठीक है। पीछे वाली टर्म में डी फाई रहेगा, माइनस वी नोट बाई टू फाई 0 से 2, ये आपको सोल्व करना था, सोल्व कर लीजिएगा बस, वैल्यू पुट कर दो, 1/2π बाहर है, इसको सोल्व करूंगा सर, अपर लिमिट 2π 2π पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3v0/2, यहाँ पे 2π/2 बन जाएगा,
यहां पुट करूंगा 2 पाई, तो साइन 4 पाई बनेगा, साइन 4 पाई क्या होगा, 0 0, लोअर पुट करोगे तो 0, ये टर्म इतनी बनेगी, लोअर में ये भी 0, ये भी 0, गया 2 पाई में ये 0, ये 0 नहीं है, ये पुट कर दिया, माइनस यहां पे आ जाओ आप, यहां पे आओ, यहां पे 5 2 पाई, ये बन जाएगा सर मी नोट डिवाइडेड बाई 2 into 2 पाई, यही बनेगा, अरे यही बनेगा, इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या बन गया, यहां से सर ये 2 से 2 कट गया 2 से 2, क्लियर है, ये 3 μ0, ये हमारे पास 1/2 π बाहर है, सही है, यहां देखो ये कितना बचा, 3 V0 π/2, ये कितना बच गया, 2 से 2 कट गया सर, ये μ0 π, लो भाई साहब क्या हो गया, 3/2 में से अगर 1 घटा दिया तो कितना बचेगा, 1/2 π into, सर ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/2 ही बचेगा, 1/2 μ0 π, पाई से पाई कट गया, μ0/4 आंसर आएगा, μ0/4 आंसर आएगा, μ0/4, अब देखो आपने क्या आंसर निकाला है, बी ऑप्शन, बी किसने निकाला, बी किसी ने निकाला ही नहीं, बहुत बढ़िया, बी किसी का नहीं आया भाई, देख लो अब आपने गलती कहाँ की है, क्वेश्चन होने लायक था, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं था कि जिसको आप ना कर सकें, जिसको आप ना कर सकें, जब आपको पता है थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, कहां गया फॉर्मूला बॉक्स के लिए लिखवाया था भाई, कहां गया फॉर्मूला, चलो फिर से लिखवा देता हूं, बॉक्स के लिए आप जब पढ़ते हो साइन स्क्वेयर बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, x बाई 2 - 1/4 b साइन 2 bx, कोस आ गया, कोस आ जाता है तो क्या लिखते हो, कोस स्क्वेयर बी एक्स डी एक्स, एक्स बाई 2, बीच में क्या आ जाता है प्लस 1/4 b साइन 2 bx, कोस स्क्वेयर फाई आ गया, कोस स्क्वेयर फाई आ गया, अरे डी फाई क्या लगाओगे रे, एक्स कौन हो गया यहाँ पे थीटा, फाई फाई बाई 2 माइनस प्लस 1/4 b, बी है नहीं तो बी का मान 1 ले लो, साइन 2 फाई खत्म काम, होने लायक सवाल, आ जाइएगा, देखो आप, देखो देखो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी ना, देखो दो, अगर बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल बोल दिए हैं, बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल बोल दिए हैं, 2 पार्टिकल बोल दिए हैं ना, सुन लो ध्यान से, 2 पार्टिकल बोल दिए, विच इज डिराक डेल्टा फंक्शन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा इज इक्वल टू, अब आपसे करेक्शन नहीं बोल रहा, अब आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोल रहा है कितनी होगी, तो हम जब कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक बात ये पता होनी चाहिए, जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना,
मतलब अब आपसे ये कह रहा है भाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम बॉक्स में निकालेंगे, एक तो हमारी एग्जैक्ट और प्लस एक हमारे पास जो करेक्शन आएगा, जो करेक्शन आएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ये हमसे पूछ रहा है। सही है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, हमें डिराक डेल्टा फंक्शन बोल दिया है, सही है, डिराक की वैल्यू दे दी है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपसे पूछ दी है। अब आपसे कह रहा कि इक्वल टू गिवन दैट, आपको ये वैल्यू भी दे दी है ना, ये बोल दिया उसने ना मैथ में, ये आप यूज करो, जीरो से ए साइन फोर पाई एक्स बाई ए थ्री बाई एट ए, ये आपको बोल दिया है। अरे अब तो आ रही है वॉइस, अब आ रही है, चेक करो, अब आ रही है वॉइस, चेक करो, आप वीडियो को अपडेट चलाओ, देखो इधर देखो, आ जाओ, सुनो ध्यान से। तो करना क्या है, पहले तो सुन लो भाई, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल की आप एग्जैक्ट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट एम एल स्क्वायर ना। अब दो पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल के केस में वेव फंक्शन आप क्या बनाओगे, सेम वैसे ही, अंडर रूट टू बाई ए साइन पाई, एक के लिए एक्स वन ले लो, एक्स वन बाई ए, दूसरे के लिए क्या ले लोगे, रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स टू बाई ए। दो पार्टिकल है, दोनों का एक्स वन एक्स टू अलग ले लो, कोई कहीं पे भी हो सकता है, ये हमारे पास बन गया, सही है। अब दो पार्टिकल की जब आप एनर्जी निकालोगे तो दो पार्टिकल की एनर्जी आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनती है, पाई की टर्म में लिखो तो एन एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ए स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट में एन वन वन पुट करेंगे, दो पार्टिकल है, दो से गुणा कर दो, एनर्जी बन जाएगी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ए स्क्वायर। ये हमारी हो गई एग्जैक्ट स्क्वायर, दो से दो कट गया सर, ये हमारी हो गई एग्जैक्ट एनर्जी। पहले तो दो पार्टिकल की आप एग्जैक्ट एनर्जी निकालो, एग्जैक्ट एनर्जी आ गई, एग्जैक्ट एनर्जी में अब करेक्शन ऐड करवाना है। अब आप देखोगे यहां पे करेक्शन उसने जीरो लिख दिया, क्या जीरो ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि एग्जैक्ट एनर्जी ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जैक्ट एनर्जी तो हमारी कितनी आई है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम ए स्क्वायर। तो अब ऑप्शन का खेल हो गया, ए या बी, ए या बी। अब बी में आपका करेक्शन ऐड करवा रखा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके देखेंगे क्या करेक्शन जीरो आ रहा है। लो भाई, जब आप सुन लो ध्यान से, सर जी करेक्शन निकाल देते हैं, अब हम करेक्शन निकाल देते हैं, जब हम करेक्शन निकालेंगे यहाँ पे, तो इस फंक्शन को आप दो बार लिखोगे, दो बार लिखोगे रूट टू ए चार बार आ जाएगा, चार बार आएगा तो कांस्टेंट सब हमारा बाहर जाएगा ना। इस फंक्शन को दो बार लिखो यार, दो बार रूट टू ए एक बार, फिर एक बार और आएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा सर, टू बाई ए, टू बाई ए, और टू बाई ए की पावर हमारे पास बन जाएगी दो, क्योंकि रूट टू बाई ए चार बार आएगा, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, लिमिट जीरो से ए है, पटर्ड पार्ट देखो आप, पटर्ड पार्ट, पटर्ड पार्ट, पटर्ड पार्ट, पटर्ड पार्ट हमारा क्या बनेगा सर, पटर्ड पार्ट हमारा बनेगा क्या दिया हुआ उसने, लैम्डा, लैम्डा डेल एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हमें दिया हुआ है, सही है। पीछे फंक्शन में क्या आ जाएगा सर, एक तो बन जाएगा साइन स्क्वेयर पाई एक्स वन बाई ए, एक बन जाएगा साइन स्क्वेयर पाई एक्स टू बाई ए इंटू डी एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा, सही है, क्योंकि दो दो बार लिखेंगे, x1 दो बार आएगा, x2 दो बार आएगा। अब सुनो डिराक की वैल्यू देखो, डिराक की वैल्यू निकालोगे तो x1 माइनस x2 को किसके बराबर पुट करोगे, जीरो के, यानी कि उसने कंडीशन दे दी x1 बराबर x2 है, तो अगर x1 बराबर x2 है यानी कि लिमिट के अंदर तो होगा ही, क्योंकि वैल्यू तो उसने और कुछ मेंशन करके दी नहीं, तो x1 x2 आपको यूज करना है, और x1 x2 बराबर है तो लैम्डा कांस्टेंट पार्ट है, ये आपका बाहर चला जाएगा, 2 बाई ए की पावर 2, लैम्डा बाहर चला गया, 0 से ए, x1 x2 बराबर हैं, तो साइन 4 पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन उसने पेपर में दिया हुआ है, दिया हुआ है 3/8a, 3/8a, इसकी वैल्यू पुट कर दो। लो भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ऊपर लैम्डा आ गया, और ये इंटीग्रेशन है 3/8a, 3/8a।
अब आप काट दो, क्या हो रहा है सर जी, यहां से ये a से यहां से आपका कट जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/8 a से a कट जाएगा, यस a से a कट गया, बन गया आंसर आपका 4 × 1 = 1, 4 × 2 = 8। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा ए ऊपर है भाई, ए ऊपर है, ए ऊपर है, ए ऊपर है, ये गड़बड़ हो गई थी ना, ए से ए कट जाएगा, ए आंसर बन गया यहाँ, क्या बना? ऊपर 3 लैम्बडा, नीचे 2a, 3 लैम्बडा/2a, 3 लैम्बडा/2a, ये बन जाएगा ना 3 लैम्बडा/2a। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, दो पार्टिकल से कलाकारी कर सकता है एग्जामिनर तो है यार, वो तो कह देगा पर्टर्बेशन वेरिएशन आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो आप करो भाई, सही है ना, और थोड़ा सा क्वांटम में लेवल बढ़ा ही रहा है तो हम भी उस तरीके से चलते हैं, सही है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आ जाओ, ये सवाल होना चाहिए यार, ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, और ये ज्यादा टाइम का सवाल नहीं है, बता दो भाई, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। कह रहा है फॉर 1D बॉक्स Vx बराबर 0, फॉर -a to a Vx बराबर इनफाइनाइट फॉर x ग्रेटर देन a, ए पर्टर्बेशन इज इंट्रोड्यूस, पर्टर्बेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, और पर्टर्बेशन पटर्ड पार्ट आपको दे दिया है वी नोट एक्स डिवाइडेड बाई ए, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपको बताना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब बॉक्स आप देखो, बॉक्स कहां से कहां तक का दिया है, ये उसने जो लिख के दिया है ना, ये आपको पोटेंशियल वेल के बारे में बता रहा है भाई, वो कहां से कहां है जो आपका बॉक्स है, वो कहां से कहां है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा। तो पहले हम जो वेव फंक्शन यूज करेंगे बच्चों, वो हम यूज करेंगे माइनस ए से ए तक का, वेव फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, माइनस ए से ए तक का, माइनस ए से ए तक का यूज करेंगे, बोलो, चलिएगा देखते हैं इस सवाल को कितने लोग सही करते हैं, जवाब दो सब, अपना जवाब दो भाई, दो जवाब दो भाई, फिर से कह रहा हूं मैं, कोई नया सवाल आ जाए तुक्का ट्राई नहीं करना है, तुक्का ट्राई नहीं करना है, बोर्ड में देखो आप, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, लक्षराज जी ने आंसर क्या दिया है, लक्षराज जी ने आंसर दिया है बी, बहुत बढ़िया सर मेरा सही है, आ जा बेटा देख तेरा कैसे गलत है, अब बॉक्स क्या है रे, बॉक्स कहां से कहां है, माइनस ए से ए, एन बराबर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन बराबर 2 होगा, एन बराबर 2 का पहले तो वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए, साई 2 क्या बनेगा, 1/√ साइन आएगा, इवन है तो साइन, ओड है तो कोस, साइन एन का मान क्या पुट करेगा, 2π(x/2a), ए से 2 से 2 कट गया, साई 2, ये तो आपका बना वेव फंक्शन, पहले तो वेव फंक्शन पता होना चाहिए, अब देख करेक्शन निकाल दे, करेक्शन निकाल दे, करेक्शन निकाल दे, सेकंड एन बराबर 2 के लिए क्या करेगा भाई साहब, क्या करेगा, ओहो साई 2 रखूंगा सर, बीच में पटर्ड पार्ट, पटर्ड पार्ट क्या है, वी नोट एक्स बाई ए, वी नोट एक्स बाई ए इंटू साई 2 स्टार एक्स माइनस ए से ए, वी नोट बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, अरे ये क्या आ गया, अरे सर जी ये फॉर्मूला बन गया एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, और माइनस ए से ए के बॉक्स की एवरेज वैल्यू 0 होती है, 0 नेट भी पूछ चुका है, नोटबुक में हमने पढ़ा हुआ है, माइनस ए से ए बॉक्स की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0, रिजल्ट क्या आएगा, 0, हर ऑप्शन में आज के सवालों में एक 0 था, लेकिन जब 0 आया तो
तो सोच ही नहीं पाए। एक ही बच्चे का सही था, बस एनजे केमिस्ट्री का सही था भाई, फंसाएगा एग्जामिनर। समझ आया नहीं आया? कोई मुश्किल सवाल नहीं था रे, कॉमन सेंस का सवाल था। अब मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ भाई, मैं तो करवा ही रहा हूँ यार। आप ऐप पे भी आरबीक्यू में देखोगे, उन वीडियो को भी देखोगे, तो गलतियों पे गलती करवा ही रहा हूँ भाई। कर लोगे? चलिएगा। अच्छा बी पहले वाले का किया था वो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, लक्षराज जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल तो मैं सीधा ही करा दूंगा, सोल्व कर लेना भाई। देखो फॉर ए पार्टिकल इन वन डी बॉक्स ऑफ लेंथ एल, वी एक्स बराबर जीरो फॉर जीरो एक्स से एल, सही है, वी एक्स जीरो से एल का बॉक्स है, एच डैश कितना दे दिया माइनस म्यू नोट, ये कौन सा लेफ्ट थर्ड में आपसे पर्टर्बेशन पूछ रहा है, लेफ्ट थर्ड में पूछ रहा है, लेफ्ट थर्ड में, लेफ्ट थर्ड में जीरो से एल बाई थ्री। अब इसमें भी कह रहा है इस बार का तो जीरो है भाई, इसमें जीरो नहीं आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेना यार, कैलकुलेट कर लेना, कर लेना, डी डी ऑप्शन आ जाएगा, डी कैलकुलेट कर लेना, एक आध खुद भी कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या फॉर्मूला लगाओगे? जीरो से एल बाई थ्री, जीरो से एल बाई थ्री। पटर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे साई वन रखना, ये माइनस म्यूनोट रखना, ये साई वन रखना, ये डी एक्स रखना, सोल्व करना, सोल्व करना, इतना आंसर आ जाएगा आपका 0.26 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट थर्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी ना, लेफ्ट थर्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन जाती है, लेफ्ट थर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, लगभग 20 के आसपास बनती है ग्राउंड स्टेट में। तो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट यूज करूंगा, किसका रिजल्ट यूज करूंगा, प्रोबेबिलिटी का। अगर पटर्ड पार्ट कॉन्स्टेंट है तो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट यूज करूंगा। अब जिसको प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट से ही बन जाएंगे, सही है। चलिएगा अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। यस यस, ये सवाल और देखो यार, ये सवाल और देखो यार, इस सवाल को सोल्व करो आप, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इस सवाल को जरूर सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व करो, ये भी बढ़िया सवाल है, होने लायक है, ये बढ़िया सवाल है, ये होने का है, ये होने लायक है, पढ़ लो आराम से। मान लो एग्जाम में आ ही गया, होने लायक सवाल है भाई, ये क्वेश्चन होने लायक है। वन डी बॉक्स दिया हुआ है, पहले तो बॉक्स को पहचानो, सही है, और माइनस टू ए से सबसे पहले तो पढ़ लो आप, बॉक्स को पढ़ लो, सब कुछ उसने लिख के दिया है, यह भी लिख के दिया हुआ कहां कहां पर्टर्बेशन हुआ हुआ है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, सोल्व कर भाई, अब की बार बताई, सवाल का जवाब दे फिर देखेंगे। अब तो तू कंफ्यूज कर रहा, पहले का कमेंट था, दूसरे का कमेंट था, अब ये सवाल नंबर 8 है, अब लिख दे 8वें का आंसर ये होगा, सोल्व करो भाई इसको, सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा भाई। और जो बच्चे ऑर्गेनिक में ज्यादा फोकस कर रहे हैं भाई, ऑर्गेनिक के क्लेडन, जोफल और कैर उधर के 200 सवाल की पीडीएफ है, 200 सवाल हैंड रिटन सोल्ड है पूरी ना, एक एक क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट रिएजेंट वीएजेंट लगा के, उनको जस्ट आप रीड आउट कर लो बस, उनको रीड आउट कर लो बस, सही है। नेम रिएक्शन रिएजेंट आपने पढ़े हुए हैं, इंटरमीडिएट आपने पढ़े हुए हैं, तो सारे सवाल आप कर जाओगे। सोल करो भाई, सोल, तुक्का मत मारो। अरे एक सवाल भी सच्चे मन से सोल कर लिया आपने, वैसा सवाल आ गया तो काम बन जाएगा। डोंट बिलीव इन तुक्का कि हर बार जीरो ही होगा, डोंट बिलीव कि हर बार जीरो ही होगा, हर बार जीरो ही होगा, ऐसा बिलीव मत रखो भाई।
पहले तो वेव फंक्शन पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन पता होना चाहिए पहले आपको। भाई ये एक किताब नहीं, कम से कम 8-10 किताबों से 8-10 एग्जाम्पल मिले हैं, वो भी एक्सरसाइज में से, और फिर भी वहां आंसर नहीं होते, तो इंपॉर्टेंट ही है ये। चलिएगा, 2-1 मिनट का समय और है आपके पास, जवाब दे दो, फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो गया समय समाप्त, आ जाओ आप बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो यार बोर्ड पे, बोर्ड पे आ जाओ आप। कह रहे पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 1D बॉक्स है, सब कुछ आपको लिख के दिया हुआ है, यहां से आप पहचान जाते। क्या कह रहा है? बॉक्स हमारा बड़ा दिया है भाई, कहां से कहां तक का बॉक्स है? -2A से 2A, -2A से 2A। यस, एक बच्चे ने जवाब दे दिया है, सर ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए सही जवाब है। आओ अब देखते हैं, सोल्व करते हैं ना यार, आ जाओ अब आप। अब देखो बॉक्स कहां से कहां तक का दिया है, कहां से कहां तक का दिया है? बी नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, तुक्के मत मारो, कोई बड़ा सवाल नहीं है। आओ अब देखो, -2A से 2A का बॉक्स है, बॉक्स की लेंथ हो गई 4A। पहले तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। सर ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हमने लिखना सीखा था, कैसे? सर इसी वाले से, 0 से L वाले से ही मैंने आपको सिखाया था। भाई क्या करेंगे? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव दे दिया, तो सर पहली बात तो यह है, अगर एन ओड होगा तो कोस आएगा, एन इवन होगा तो साइन आएगा। ग्राउंड स्टेट बोल रहा है एन वन होगा, तो पक्की बात है फंक्शन कोस वाला ही आएगा। √2 बॉक्स की लेंथ दे दी 4A इंटू कोस, एन का मान है 1 πx/4A, बॉक्स की लेंथ है 4A। पहले तो 2 से 2 कट गया, वेव फंक्शन ही पता होना चाहिए। 1 √2A cos πx/4A, ये हमारा आया वेव फंक्शन। पहले तो वेव फंक्शन ही पता होना चाहिए मेरे भाई। अब देख पर्टर्बेशन कहां से कहां दिया है, ये दिया उसने पर्टर्बेशन कहां से कहां? -A से A। कितना दिया? V0। जब आपको वेव फंक्शन पता चल गया है तो पटर्ड पार्ट निकालने में क्या दिक्कत है भाई? लो जी सर जी, करेक्शन निकाल देंगे अभी। इतना आसान सवाल था, लिमिट -A से A, 1 √2A cos πx/4A इंटू पटर्ड पार्ट V0, 1 √2A cos πx/4A dx। लो यार, फिर से एक इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन जिसको आप कितनी बार सोल्व कर रहे हो। डेली वन, 1 √2A, 1 √2A, V0/2A बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? -A से A cos²πx/4A dx। सर ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना आता है, सुबह से यही चल रहा है, क्वांटम शुरू की थी तब भी यही चल रहा था, आज पेपर आ गया तो भी यही है, तो मैथ तो काम आएगा ही। cos²πx/4A का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos²πx/4A का फॉर्मूला अभी बताया सर। सर x/2 -1/4b, 4b, b क्या है हमारा? सर b यहाँ पे है π/4A, π/4A।
फोरे अपॉन करोगे, चार से चार कट गया, ए पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, ए बाई पाई बच जाएगा। यहां पुट कर दिया, माइनस वन बाई फोर भी करेंगे, फोर इंटू बी, बी का मान पाई बाई फोर है, फोर से फोर कट गया, ए पलट के ऊपर चला गया, ये क्या बन गया, साइन साइन टू पाई टू बी एक्स, टू बी एक्स, टू बी एक्स, टू से टू काटोगे पाई एक्स बाई, नीचे बच गया टू ए, लिमिट माइनस ए से ए, खत्म काम। इतना सा काम करना था। अब पहले वाले में लिमिट पुट करो, देखो यार लिमिट पुट करो, डेली डेली वन वी नोट बाई टू ए, आ जाओ भाई पहले वाले को सोल्व कर लेते, पहले वाला दोनों टर्म, पहले वाली टर्म को सोल्व करो, पहली वाली टर्म क्या बनेगी, इधर देखो ए माइनस ए, ए माइनस ए करोगे तो ऊपर ए रखोगे, माइनस लोअर लिमिट ए करोगे, माइनस माइनस प्लस, टू ए बाई टू, टू ए बाई टू यही बनेगा। दूसरी टर्म में चलो ए बाई पाई, ए बाई पाई, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट, अपर लिमिट ए पुट करोगे, इसमें ए पुट कर दो भाई क्योंकि माइनस साइन है, माइनस को रखो, ए पुट करो तो ए से ए कटेगा, साइन पाई बाई टू बनेगा, साइन पाई बाई टू बनेगा। लोअर लिमिट पुट करो, साइन 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 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस ए पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, आपके पास माइनस माइनस प्लस बनेगा। आंसर मैंने इसका क्या बताया एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में, आ जाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए पुट करेंगे, पुट कर दी हमने, अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस यहाँ साइन ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस हो रहेगा, ये बनेगा आपका ए बाई पाई। अरे मैंने गड़बड़ कर दी भाई, यस यस बिल्कुल सही है, गड़बड़ कर दी, यहाँ प्लस आएगा, यस बिल्कुल गड़बड़ कर दी, प्लस आएगा, प्लस, पहली टर्म ये बन गई, दूसरी टर्म माइनस करोगे, माइनस ए रखोगे तो प्लस ही हो जाएगा, ए बाई पाई साइन पाई बाई टू, बिल्कुल सही है भाई, मैंने माइनस की जगह प्लस लिख दिया था ना, ये माइनस कोस है तो प्लस आएगा, यस यस यस, सोल्व कर लो, साइन पाई बाई टू वन, साइन पाई बाई टू वन, बोलो क्या बन गया, ये भी देखो आप बाहर क्या बैठा हुआ है, वी नोट बाई टू ए, ये क्या बन गया, यही बन गया सर, टू से टू कट गया, ए पीछे वाली टर्म क्या बन गई, पीछे वाली टर्म, पीछे वाली टर्म ये बन गई टू ए बाई पाई, टू ए बाई जोड़ोगे ए बाई पाई है, ए बाई पाई है, ए बाई पाई, टू ए बाई पाई। लो भाई अब क्या करोगे, गुणा कर दो, अब गुणा कर दो, गुणा करोगे तो पहली वाली टर्म क्या बन जाएगी, वी नोट बाई टू, दूसरी वाली टर्म क्या बन जाएगी, वन बाई वी नोट बाई पाई, क्या कॉमन लोगे, वी नोट वन बाई टू प्लस वन बाई पाई। देखो भाई देखो, चेक करो चेक करो, यस बिल्कुल सही है, एनजे केमिस्ट्री, बीच में प्लस आएगा, आंसर देखो आप क्या बन गया, आंसर ए बन गया, आंसर ए बन गया, आंसर ए बन गया, ध्यान रखना कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रह जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्वांटम के मैथ में भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया एनजे केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया भाई। ये जिन बच्चों ने बताया, रोहित बहुत बढ़िया, सुबे आ गया बहुत बढ़िया, प्रिया बहुत बढ़िया, यह परटर्बेशन। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लो जी अगला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, नोटबुक में ही है, नोटबुक में ही है, नोट्स में ही है, नोट्स में ही देख लेना, नोट्स में है, नोट्स में है, वेरिएशन मेथड में, इवन क्वांटम के पहले टेस्ट में भी है, क्वांटम के पहले टेस्ट में भी है, यही फंक्शन है, और क्वांटम में तो दो सवाल पूछे गए हैं, एक इसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट ए का मान भी आपको पता होना चाहिए, क्वांटम के पहले टेस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार फिर से बता दिया। दूसरा ये लास्ट सवाल वेरिएशन का, वेरिएशन में कर लेना बिल्कुल आसान है, एनर्जी किसकी टर्म में दे दी आपको, एल्फा की टर्म में, इसका या तो सवाल आपसे क्या पूछ लेगा, एल्फा की वैल्यू बताओ, एल्फा कैसे निकालोगे, सर डिफरेंशिएशन करेंगे एल्फा के रेस्पेक्ट में, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एल्फा की वैल्यू को इसी में पुट कर देंगे तो हमारे पास ई मिनिमम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ई मिनिमम, इसका आंसर आपका सी बन जाएगा। तो 10 नंबर ये आपके नोट्स में ही है, चेक कर लेना आप, बिल्कुल जाके चेक कर लेना अभी, सही है, और ये अल्फा के सवाल भी हमने ये मिनिमम कैलकुलेट करने सीखे हुए हैं, सही है। एक सवाल और इस टॉपिक से आता है जो आपका है लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल, तो जितने पैरामीटर बढ़ाते जाएंगे उतना ही रिजल्ट हमारा एग्जैक्ट के पास आता जाएगा, सही है।
कर लोगे? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। छाया कह रही है सर 10 में सी आएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला भी सोल्व कर लेना, इसमें ए आएगा, ये नोट्स में है, पीडीएफ खोल के देख लो। क्वांटम लेक्चर नंबर सेकंड यूनिट लेक्चर नंबर 4 या 5 में है, सही है। बाकी सेकुलर डिटर्मिनेंट हमने सवाल किए हुए हैं, सही है ना। सेकुलर डिटर्मिनेंट में याद रखना H11 - ES11 पढ़ा था ना हमने, उनकी वैल्यू S11 अगर ना दे, SII ना दे तो 1 लेंगे, SIJ अगर ना दे तो पुट कर देंगे, अदरवाइज हम 0 लेंगे। SII 1, SIJ 0। तो सेकुलर डिटरमिनेंट भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। वेरिएशनल प्रिंसिपल के से रिलेटेड भी सवाल हमने किए हुए हैं, और फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, तो आज हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, सही है। कर लोगे? चलिएगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सारे टॉपिक रिवाइज करो और सुनो ध्यान से। आज शाम को आपका टेस्ट पेपर नंबर 47 है, 46, माइनर 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 कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कंप्लीट फिजिकल का तो हो चुका। आज ऐप पे आपका माइनर टेस्ट और अपलोड हो जाएगा, उसको एक बार देख के देख लेना, बस उसको और एक बार देख के देख लेना। कल मैं मिलूंगा आपको उसी के साथ, सही है। चलिएगा, तो पढ़ते रहो। और अब करना क्या है? करना यही है, अपने नोट्स रिवाइज करो, अपने नोट्स रिवाइज करो, कुछ नया नहीं करना है, सही है। जो आपने टेस्ट की नोटबुक बना रखी है, जैसे ही किसी टॉपिक को रिवाइज करते हो, उस टेस्ट के टॉपिक के जो क्वेश्चन जहां जहां आपने गलती की हुई है वो +PYQ, और जो आपने नोटबुक में RBQ बनाई हुई है वो बस 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 ये काम करते हुए चलो, सही है। चलिएगा, बाकी मैं आपको डेली मिलता ही हूँ, सुबह मिलता ही हूँ, शाम को भी वीडियो प्राइमर में के रूप में चला करेगी अब रोज, सही है ना। तो पढ़ते रहो यार, सही है। बाकी जिन बच्चों ने, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, सही है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर बताओ कि जबरदस्त कंटेंट है। आप ऐप पे एक बार चले जाओगे तो आप खो जाओगे, इतने सवाल हैं, इतना कुछ है, बस करने की देर है। तो कर लो उनको अच्छे से, अब तो कर रिवाइज करो अपने भाई, सही है ना। चलिएगा, देखते हैं इस बार क्या कुछ नया पूछता है सीए सर। चलिएगा, तो विश यू ऑल दी बेस्ट, लगे रहो, मेहनत करते रहो और इस मोमेंट को एंजॉय करो, परेशान नहीं होना, लगे रहो। गलत हो रहा है, होते रहते हैं, गलती करनी है हमें पेपर से पहले, सही है ना। बस वो सी पार्ट के 25 सवाल में हमें जी जान लगानी है, वो अगर हमारे 25 बन गए, सही हो गए, फिर आपके जेआरएफ की लिस्ट में कोई नाम नहीं रोक सकता, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। कल मिलूंगा मैं फिर से, इनऑर्गेनिक का टेस्ट पेपर देना ना भूले, टेस्ट ऐप के ऊपर आ जाएगा, शाम को बता दिया जाएगा आपको ऐप के ऊपर।